लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड इवनिंग कुका सिंह, हाथ मिलाओ। भगवान, तुझे मेरी माँ को बचा रही होगा भगवान। जंगलों में फेंकवा दिया। कुका सेठ, सत्य की लाश का कुछ पता नहीं। सिकंदर भागी हो गया है और शक्ति जंगल में घुस आया है। अरे जंगल के सभी तारों में करंट दौड़ा दो, बत्तियां जला दो ताकि दुश्मन रोशनी में दिखाई दे सके। सरदार, उल्टा हो गया, हमारा आदमी मर गया और शक्ति सिंह बच गया। अभी हमारे आदमियों ने पहाड़ी से रोमी को पानी में जिंदा देखा है। हाँ सरकार, अंधेर हो गया, अंधेर, रोमी पानी में, शक्ति जंगल में और आनंद आपके सामने। वो उसकी बनी त्रिमूर्ति त्रिदेव बनकर आएगी तुम्हारे सामने, जल से, थल से और गगन से। पानी नहीं, पेट्रोल है, पेट्रोल। अरे कम्बल फेंको, आराम जादू।
अब इस आग में त्रिमूर्ति जलेगी। पहचाना सिकंदर बाबू, उस दिन का चाटा हम अभी तक भूले नहीं। अब हम तुम्हें फिनिश करेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्ला ने तुम्हें फिनिश करने की सुपारी खाई है। अपने गॉड को याद कर लो। गॉड को ही याद कर रहा था मैं। मुझे किस खाई में फेंक दिया है? इसी खाई से तुम्हें निकालने आया रोमी, इसी खाई से। अपना हाथ दो, जल्दी करो, अपना हाथ दो। रोमी, रोमी, भैया, ये तेरा भैया है, आनंद भैया। हाँ रोमी, बबुआ, आनंद भैया, बबुआ, आनंद भैया। आनंद भैया, तेरे लिए झगड़ा किया था मैंने शक्ति भैया से। आनंद भैया, मैंने सोचा था मैं पास हो गया, आखिर मैं फेल हो गया। शक्ति भैया पास हो गए। देखो किस खाई में धकेल दिया मैंने अपने दोनों भाइयों को। शक्ति भैया सही थे, मैं गलत था। मैं समझ गया रोमी, मैं समझ गया। आनंद, आनंद, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं। भाई हूं मैं तुम्हारा भाई। मुझे माफ करना शक्ति भैया, मैंने माँ के बताए असूल को गलत समझा। भैया, शक्ति भैया, मैं माँ से मिला था, मैंने माँ को देखा है। हाँ भैया, माँ जिंदा है? माँ जिंदा है ना? वो यहीं कहीं है। चलो तीनों मिलकर ढूंढते हैं उसे। चलो मेरे वफादार कुत्तों, अब देखो त्रिमूर्ति कैसे गिरती है। आप लोग तैयार हैं? मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज कुका ने खुद अपने काल पर विजय पाई है। खुद मैंने
सत्या की लाश जीव जंतु खा गए। त्रिमूर्ति गिरकर टूट गई। मुझे पहचाना कूका सिंह? मैं सत्या हूं। हाँ सत्या, आज न सत्या मरी है न उसकी त्रिमूर्ति, ये सब देवी मां का प्रताप है। ये उसी देवी मां का प्रताप है कि जिस पुलिस अफसर को 18 साल पहले तूने अपनी मक्कारी से जेल की काल कोठरी में भेजा था, वही पुलिस अफसर आज जेल की काल कोठरी से निकलकर सीधा तेरे पास आ पहुंची है। तेरे पास ये उसी देवी मां का प्रताप है कुका, कि जिस तीसरे पुत्र को मैंने अपने कोख से जन्म देकर काल कोठरी से बाहर भेजा था, वही तीसरा पुत्र मुझे सबसे पहले मिला और आज उसी के द्वारा तेरा और मेरा सामना हो रहा है। कूका सिंह, ये सती 18 साल उस काल कोठरी में देवी मां के चरणों में 3 दिए जलाती रही और उसकी तपिश अपनी आंखों में उतारती रही ताकि सत्या की ज्वाला कम न हो, वो जब तुझे मिले दुर्गा बनकर मिले। कूका सिंह, आज या तो तू है या मैं हूं। अगर तुझ में जरा भी शक्ति है ना कूका, तो मुझे छूके देख। देख इस शरीर को, तो क्या इस हाथ को छू, इन उंगलियों को छू, इन नाखूनों को छू, फिर देख देख कौन भस्म होता है, तू या मैं। छू कर देख कूका, देख ना, छू छू कूका, छू कर देख, देख ना कूका। कूका! ये तो बेहोश हो गई सरकार। याद कीजिए पंडित ने क्या कहा था आपको। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं सरकार? वो मरेगी, जरूर मरेगी। सरदार इसका मैं इसे तो नहीं मार सकता, तुझे तो मार सकता हूं। Come on.
विश्वास रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये काम मुझे बरसों पहले कर देना चाहिए था। ये है मेरे पापों की गठरी भैया, हमारे सर्वनाश का कारण। चलो भैया, आज माँ के नाम इस राक्षस को इन पहाड़ियों में समर्पित करते हैं। जय माता दी। देख, देवी माँ किन किन तूफानों से बचा कर तेरे सामने लाई है। माँ बाप के बताए हुए उसूलों का मतलब बच्चे कैसे अलग अलग समझ लेते हैं और अलग अलग रास्ते पकड़ लेते, यही कारण था इनके तूफानों का। मगर आज तेरी तपस्या पूरी हो गई है, लग जा गले इनके।